वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फंडा फॉर 11th एंड 12th। अभी जो वीडियो है उसमें आपको हेडिंग देख के समझ में आ गया होगा कि दिस इज फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस ऑफ जेई मेंस फॉर लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं एंड ईयर ऑफ कवरेज इज 218 टू 2008। तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन मोलल aqueous solution of the following compounds which one will show highest freezing point। देखिए पहला चीज, जो चारों solution है उसकी molality one है, right, और highest freezing point show करना है। तो पहले हम इसकी theory देखते हैं कि क्या है। अगर आप कोई solute, ये these are the solute जो चारों option में दिए हुए हैं, these are the solute which is being added to some solvent। मान लेते हैं कि solvent अगर pure form में है तो उसकी freezing point TF है। तो जैसे ही आप इसमें सोल्यूट ऐड करोगे तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी, इट विल डिक्रीज टू, मान लेते हैं एक नया आ गया TF डैश, इस वैल्यू तक ये डिक्रीज हो जाएगी, राइट। नाउ आप चेक करो कि व्हाट इज हैपनिंग, इसका जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं डेल्टा TF, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। तो जो डेल्टा TF है ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, बिकॉज इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन, सॉरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अब अगर फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए, यहाँ पे आप देख लो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अगर हाईएस्ट हो, यानी ये वैल्यू अगर ऊपर होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस है ये कम होना चाहिए, डेल्टा TF ये कम होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आ गया, फॉर हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा TF शुड बी लेस, ये कॉन्सेप्ट आ गया, राइट। और डेल्टा TF शुड बी लेस के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा होने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने चाहिए, ऐसा होने के लिए। अब देखते हैं किस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। ऑप्शन नंबर वन, मैं यहां पे कर देता हूं CO H2O whole 3 Cl3, ये पूरे एक कॉम्प्लेक्स में, आपको पता है जो बिग ब्रैकेट यानी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर के पार्टिकल डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो इसको जब आप डिसॉल्व करोगे वाटर में ये सिर्फ एक पार्टिकल देगा, CO H2O whole 3 Cl3, वाटर इज नॉट अ पार्टिकल, राइट, ये तो वाटर में ही चला जाएगा। अच्छा, इसने एक्वस कह भी दिया है, सबसे मजे की बात, एक्वस सॉल्यूशन कह दिया, यानी पानी का ही सॉल्यूशन है। तो ये जो 3H2 है ये तो वाटर में चला जाएगा, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द वाटर, इट इज नॉट अ पार्टिकल और सॉल्यूट पार्टिकल फॉर द वाटर, राइट। तो सिर्फ हमारे पास एक पार्टिकल मिल रहा है। ऐसे ही दूसरे वाले में आप चेक कर लो, जो इस वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा CO H2O whole 6, मैं यहां पे लिख देता हूं 3+, दिस इज वन पार्टिकल एंड 3Cl-, ये भी आयनाइज होगा, तो टोटल हमारे पास इसका वन पार्टिकल है और Cl के 3 पार्टिकल्स है, तो टोटल हमारे पास 4 पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो वेल हैव 4 पार्टिकल्स इन दिस केस, तो सेकंड वाले में 4 पार्टिकल्स हैं, इसमें 1 पार्टिकल्स आए थे, राइट। ऐसे इसमें आप देखो तो वाटर को तो कंसिडर नहीं करेंगे, वाटर तो वाटर में चला जाएगा, तो नेट ये हमारे पास एक पार्टिकल होगा और ये जो 2Cl है इट विल बी 2Cl- के फॉर्म में आएगा, तो टोटल 1 और 2Cl- इस केस में 3 पार्टिकल्स होंगे। सिमिलरली इस केस में भी आप चेक कर लो, दिस इज वन पार्टिकल एंड दिस इज वन पार्टिकल, राइट, वन एंड वन, पानी तो पानी में चला जाएगा, तो दिस इज 2 पार्टिकल्स अगेन हियर। तो सबसे कम पार्टिकल फर्स्ट ऑप्शन में है, इसीलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा फॉर द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। आप यहां पे देख रहे हो क्या कह रहा है कि ये वैल्यू है, राइट, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज ऑफ बेंजीन का, तो यानी ये हमारा डेल्टा TF हो गया। तो यहां मैं लिख देता हूं कि जो डेल्टा TF की वैल्यू है, अभी हम पता करेंगे क्या है, कौन सी वैल्यू है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि एक्चुअल में हमें मिला है जब इतना ग्राम एसिटिक एसिड को हमने 20 ग्राम बेंजीन में मिक्स किया है, राइट। तो ये हो गई वैल्यू ऑब्जर्व्ड। आप ऑलवेज ध्यान रखो जो गिवन वैल्यू होगी वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी। अब क्या इसका यूज है मैं अभी बताता हूं आपको, कैलकुलेटेड आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। अब कह रहा है इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स टू फॉर्म डाइमर इन बेंजीन, यानी ये डाइमराइज हो रहा है, डाइमर हो रहा है, एसिड फॉर्म करेगा एसिटिक एसिड, देन परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन विल बी। तो देखो अब कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बताता हूं, इसमें आता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई,
राइट, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब कॉलिगेटिव इन जनरल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। तो यहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी एफ है, तो मैं डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व बाय डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड लिखूंगा, कैलकुलेटेड। एंड दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइनल, नंबर ऑफ फाइनल पार्टिकल्स, फाइनल पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ इनिशियल पार्टिकल। ये हमारे पास फॉर्मूला है ऑफ इनिशियल, इनिशियल पार्टिकल, राइट। तो आते हैं वन बाय वन प्रोसीड करते हैं सभी के लिए। ये वैल्यू अभी तक फिलहाल हमें पता है, इट इज 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। बाकी सारी चीजें हमें फाइंड करनी है, और उसको फाइंड करेंगे तो प्रोबेबली विल एबल टू फाइंड द परसेंटेज एसोसिएशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। तो डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, इट इज के एफ इंटू मोलैलिटी, एम स्टैंड फॉर द मोलैलिटी, राइट। तो के एफ की वैल्यू हमें गिवन है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5.12 इंटू मोलैलिटी, क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर के जी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होगा, यानी एसिटिक एसिड है, ये देखिए ये एसिटिक एसिड 0.2 ग्राम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके मोल्स, ये आ जाएगा 0.2 इसके मोलर मास, सॉरी गिवन मास, और डिवाइडेड बाई 60 इसका मोलर मास, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, आप निकाल सकते हो 60 आएगा इसका मोलर मास। तो ये आ गया 0.2/60, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब बेंजीन आप देख लो 20 ग्राम्स है हमारे पास, राइट। तो 20 ग्राम्स को केजी में आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 20 × 10⁻³। इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, और ये सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा 0.85, ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू, राइट। अब हम आते हैं फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, अब हम वर्क कर रहे हैं, राइट। तो देखते हैं फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आएगा। तो एसिटिक एसिड का डाइमराइजेशन, आई एम रिप्रेजेंटिंग एसिटिक एसिड विद ए, मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये रहा एसिटिक एसिड ए, इसके दो पार्टिकल ये आपस में एसोसिएट होके देंगे A2, डाइमराइज हो रहा है, अभी मैं बताऊंगा कैसे डाइमराइज होता है, ये ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इस क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियल हम कुछ मान लेते हैं, से नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियल इज एन, राइट। डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, राइट, उसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूं, तो 1n-α, यानी एन अल्फा पार्टिकल्स के डाइमराइज होंगे, तो यहाँ पे फॉर्म होगा उसका हाफ एन अल्फा बाई 2, ओके। तो ये इनिशियल है, इनिशियल, और ये जो है टोटल ये है फाइनल। तो इनिशियल पार्टिकल्स, इसकी वैल्यू, इनिशियल पार्टिकल्स की वैल्यू हमें एन पुट करना है, और फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी फाइनल के लिए हमें ऐड करना होगा इसको एन 1-α प्लस एन अल्फा बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी एन कॉमन होके 1-α/2, राइट। इसको हम इसमें पुट करेंगे एंड विल गेट द रिजल्ट, हमें रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे थोड़ा सा क्लीन करना होगा, लेट मी क्लीन फर्स्ट, ये मैंने इस साइड क्लीन कर दिया है पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। अब हम देखते हैं इसमें पुट करते हैं, तो अब आई जो होगा, राइट, आई की जो वैल्यू होगी ये आएगी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो हमारे पास 0.45 है, मैंने लिख दिया, कैलकुलेटेड मैंने सॉल्व किया हुआ 0.85, मैं इसको भी लिख देता हूँ 0.85, दिस इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो मैंने निकाल लिया है, इट इज एन 1-α/2, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन, ये देखिए इनिशियल मैंने एन लेट किया था, तो ये कैंसिल होके यहाँ से जो हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी That is equal to 0.9411. यहां से आप अल्फा सॉल्व करोगे तो इसीलिए परसेंटेज जो होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो 94.11, तो ये आंसर है वेरी क्लोज टू माय आंसर, दैट इज थर्ड, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं। द क्वेश्चन इज 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास दिया हुआ है, इज एडेड टू 178.2 ग्राम वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज। देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डेटा इनसफिशिएंट लग रहा है, क्योंकि इसमें वाटर का वेपर प्रेशर गिवन होना चाहिए, और अगर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन
एग्जामिनर नहीं देना चाहता है तो उसे टेम्परेचर मेंशन करना चाहिए था। तो मैं अभी फिलहाल अपनी तरफ से एक करेक्शन करके यानी बॉइलिंग पॉइंट के बराबर का टेम्परेचर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर लोगे ना, जो टेम्परेचर है, तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो उस केस में वेपर प्रेशर पी नॉट ऑफ वाटर हमें पता चल जाएगा वो 180 m होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टॉर में 760 टॉर। तो मुझे लगता है यही इंटेंशन रहा होगा एग्जामिनर का, दैट्स वाई उसने मेंशन नहीं किया वेपर प्रेशर को, लेकिन वो टेम्परेचर मेंशन करना भूल गया। तो मैं अपनी तरफ से टेम्परेचर को 100 डिग्री यानी बॉइलिंग पॉइंट पे कंसिडर करते हुए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले लेता हूँ। ये जनरल स्टेटमेंट है, कोई भी, इट्स नॉट ओनली वाटर, कोई भी लिक्विड अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सराउंडिंग प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, सराउंडिंग प्रेशर इज 1 atmosphere। तो मैं इसको लेके प्रोसीड करता हूँ। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें रॉल्ट्स लगाना है। रॉल्ट्स मैं लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो होगा इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इनटू पी नॉट H2O, राइट। पी नॉट तो हमें 760 पता है, बस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमें फाइन करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के हमें मोल्स निकालने होंगे। तो मैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज पहले निकालता हूँ, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास, सॉरी गिवन मास है 18 एंड इट्स मोलर मास इज 180, राइट। तो ये हो जाएगा इसका मोल्स, मोलर मास 180 से डिवाइड करने पे 0.1। ओके, मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमने निकाल लिया, और मोल्स ऑफ वाटर की बारी है वाटर। तो ये आएगा गिवन मास ऑफ वाटर 178.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर व्हिच इज 18, और ये मोल्स आ जाएगा 9.9। ओके, तो अब हम पुट करते हैं इसमें, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का मतलब है मोल्स ऑफ वाटर बाय टोटल मोल्स व्हिच इज 9.9 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ऑफ वाटर व्हिच इज 760। आप ऐड करके इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 9.9, और दिस इज जो डिनोमिनेटर है वो 10 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 76 एंड दिस इज इक्वल टू 752.4। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये इसका सिंपल सा कैलकुलेशन था, रॉल्ट्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। नाउ नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस मच। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एसीटोन का हमें वेपर प्रेशर गिवन है पी नॉट एसीटोन, एसीटोन दिस इज इक्वल टू 185 टॉर। मैं लिख देता हूँ इसको, राइट। अब कह रहा है व्हेन 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वाज डिसॉल्वड इन 100 ग्राम एसीटोन एट 20 डिग्री इट्स वेपर प्रेशर वाज दिस मच। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस पूछा है, तो एसीटोन का नया वेपर प्रेशर दे दिया। तो देखो अगेन इसमें रॉल्ट जो हमने पहले वाले क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया वही यहां पे यूज होना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेपर प्रेशर एसीटोन का, स्मॉल एस से मैं एसीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ऑफ एसीटोन। सारी चीजें हमें गिवन है, इसका और भी तरीका है करने का, मैं इस प्रोसेस से करता हूँ। आते हैं वन बाय वन सारी चीजों को करते हैं। पहले मोल्स निकालते हैं वोलेटाइल, ये जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है इसका मोल्स निकालते हैं मोलर मास m लेट करते हुए। तो इसका जो मोल्स आएगा इट इज 1.2 बाय इसका मोलर मास m जो कि हमें निकालना है। और एसीटोन उसका मोलर मास, सॉरी मोल्स एसीटोन का हुआ जाएगा 100 विच इज द गिवन मास ऑफ एसीटोन, और एसीटोन का जो मोलर मास आएगा इट इज, एसीटोन का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ साइड में, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री दिस इज एसीटोन, इट इज इक्वल टू 58, उसका मोलर मास 58 हो जाएगा। तो इसीलिए मोल्स ऑफ एसीटोन जो होंगे, ये एसीटोन मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा दस मच, राइट। और ये वैल्यू 2 से थोड़ी से कम आएगी, 1.72 दिस इज द वैल्यू। ओके, अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन हमें 183 गिवन है, तो मैं इसको 183 लिखता हूँ, 183 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, इट इज मोल्स ऑफ एसीटोन बाय टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन तो एसीटोन के खुद के मोल्स प्लस सोल्यूट के मोल्स 1.2 बाय m, ओके, इनटू पी नॉट ऑफ एसीटोन व्हिच इज 185। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है, लेट सिंप्लीफाई दिस, ये आ जाएगा 183
1.72 प्लस 1.2 बाय एम इज इक्वल टू 1.72 इंटू 185 बाय 183, ओके। और यहां से 1.2 बाय एम इज इक्वल टू 1.72 इंटू 185 बाय 183 माइनस 1.72, ये वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 0.0018, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ओके। अब इससे m हम सॉल्व करते हैं, तो जो m आएगा दिस विल गिव मोलर मास इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.018, दिस इज approximately 64, ये 64 आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं इसको एक और मेथड से आपको बताता हूँ सॉल्व करने के लिए, इसको एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं इसको। इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जगह क्लीन कर लिया है। देखिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं RLVP का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो RLVP जो होगा, पहले मैं लिख देता हूँ, RLVP होता है वेपर प्रेशर का चेंज डिवाइडेड बाई पी नॉट, राइट। मैं लिख देता हूँ पी नॉट माइनस वेपर प्रेशर बाई पी नॉट, ये RLVP है, और ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल एन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होता है तो एक सेफ अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कहीं ज्यादा होंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट के फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यहाँ पे सोल्यूशन डाइल्यूट है, वो कैसे आइडिया लग रहा है मुझे डाइल्यूट होने का, क्योंकि देखो आप क्वांटिटी देख लो, ये 1.2 ग्राम है और यहाँ पे एसीटोन 100 ग्राम है, यानी क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है एसीटोन के कंपेयर में काफी कम है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट को अगर नेग्लेक्ट कर दूं तो इसका मतलब जो RLVP होगा मेरे पास, यानी पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मुझे लगता है इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन रिलेटिवली ईजी आना चाहिए प्रीवियस वाले कंपेयर में। लेट्स पुट पी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 185 प्योर वाले का, ये रहा 185 ये गिवन है, और एक्चुअल वैल्यू 183, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू 183 बाई 185 पी नॉट अगेन मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये मैंने निकाल रखा है प्रीवियस क्वेश्चन के लिए निकाला था, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज 1.2 बाई मोलर मास एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विच इज एसिटोन इटसेल्फ, और ये वैल्यू भी मैंने निकाल रखी है 1.72, तो मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ 1.72, और यहाँ से हम मोलर मास को अगर सॉल्व करेंगे तो मोलर मास विल बी 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 185 डिवाइडेड बाई ये डिफरेंस 2 आ जाएगा 2 इंटू 1.72। मुझे लगता है ये कैलकुलेशन रिलेटिवली थोड़ा ईजी है, और इससे भी जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 64 आ रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है स्टेटमेंट इज कंसिडर सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर इथेनॉल 0.1 मोलर मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये रहा इसकी मोलारिटी गिवन है, एंड 0.25 मोलर KBr, राइट, एंड 0.125 मोलर Na3PO4। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अज्यूमिंग ऑल सॉल्ट्स टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो 100% आयनाइज हो जाए, पूरी तरह से टूट जाएगा। आते हैं किसके बारे में पूछा है, इसने हर जगह ऑस्मोटिक प्रेशर को रिलेट किया है, यानी हमारा फोकस ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पता करना है। पहले हम पता कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन हम मार्क कर देंगे। आई थिंक पूछा है किसका हाईएस्ट है या किसका लोएस्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, इट इज CRT, सी स्टैंड फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट कंसेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट से रिलेटेड है। यानी हर केस को मैं वन बाई वन करके बताता हूँ आपको, 0.5 मोलर इथेनॉल C2H5OH, क्योंकि C2H5OH कोई सॉल्ट नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा, तो इसकी कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, तो ये 0.5 मोलर ही रहेगा। सेकेंड जो केस है 0.1 मोलर मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल 2, तो यहाँ पे आप चेक कर लो मैग्नीशियम के 3 आयन्स बनेंगे जब ये डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये सॉल्ट है 100% डिसोसिएट कराना है, तो 3 आयन्स एंड फॉस्फेट के 2 आयन्स बनेंगे, 2 PO4 3 नेगेटिव,
राइट, तो टोटल हमारे पास फाइव पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब है इसका एक पार्टिकल फाइव पार्टिकल जनरेट कर रहा है, तो दैट्स वाई इसकी मोलारिटी 0.5 मोलर हो जाएगी, फाइव टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड केस लेते हैं KBr का, और ये है 0.25 KBr। अगेन KBr आपको ये जो पार्टिकल है ये आपको 1K प्लस देगा एंड 1Br माइनस देगा, यानी डबल पार्टिकल्स हो जाएंगे। 1KBr से हमें 2 पार्टिकल्स मिल जाएंगे, 1 फॉर K प्लस एंड 1 फॉर Br माइनस। तो इसके भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे होने के कारण इसकी भी मोलैरिटी 0.5 मोलर हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज 0.125 मोलर Na3PO4, राइट। तो इसमें भी वही चीज, 3 Na प्लस होगा एंड PO4 3 माइनस भी होगा, तो 314 से आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, हाँ ये भी 0.5 मोलर ही हो जाएगी। ठीक है, 0.125 का डबल करने पे 0.25 होता है, 4 करने पे ये भी 0.25 मोलर है, यानी सभी की मोलारिटी सेम आ गई। तो सभी की मोलारिटी सेम होने का मतलब इसका पाई भी सेम होगा, तो दे ऑल विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। द सिक्स क्वेश्चन इज KF फॉर वॉटर इज दिस मच, ये वॉटर का KF दे रखा है। इफ एन ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड्स 1 kg ऑफ वॉटर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी ये सल्यूट हो गया हमारा, इथाइलिन ग्लाइकोल मस्ट बी एडेड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन लोअर्ड टू दिस मच डिग्री। ये कह रहा है कि वॉटर की जो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट होती है TF, वो होता है 0°C, और हमें इसे रिड्यूस करके पहुंचाना है नया वो -2.8°C पे इसको पहुंचाना है। तो इसके लिए हम एक सोल्यूट ऐड करें, सोल्यूट ऐड करते ही करने से फ्रीजिंग पॉइंट की लोअरिंग होती है, जिसको कि हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जो डेल्टा TF हमें चाहिए, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो इन दोनों का डिफरेंस यानी 0 - -2.8 ये वैल्यू चाहिए, तो इट इज 2.8 आएगा। तो ये हमें डेल्टा TF चाहिए। तो कितनी क्वांटिटी में इसको मिलाया जाए यही पूछ रहा है। तो पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा TF इज KF into molality, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूँ KF molality, यानी मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि यहाँ पे वाटर खुद है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट को आप ग्राम्स में ले रहे हो तो। अच्छा, ये तो केजी में ही दिया हुआ था, 1000 की जरूरत नहीं होती है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा TF की वैल्यू है 2.8, KF की वैल्यू दे रखा है 1.86, ये मैंने पुट कर दिया इसको KF को। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं एन एस लेट कर रहा हूँ, वेट ऑफ वाटर ये केजी में दिया था, मुझे ग्राम्स में चाहिए, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ये 1000 ग्राम्स के इक्वल आएगा, क्योंकि मैंने ग्राम्स में लिख दिया फॉर्मूला, तो मैं ग्राम्स में वेट को यूज कर ले रहा हूँ। ये कैंसिल आउट, यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जो रिक्वायरमेंट आएगी, इट इज 2.8 by 1.86, दिस मच मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। और हमसे आंसर ये, पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, ये वैल्यू अच्छा बाद में ही कर लेंगे सिंप्लीफाई। और हमसे पूछा है मास, तो मास जो आएगा ये मोल्स इंटू मोलर मास, तो मोल्स इज 2.8 by 1.86 इंटू इसका मोलर मास, यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ 24 कार्बन के लिए, 32 ऑक्सीजन के लिए एंड 6 हाइड्रोजन के लिए, दिस इज इक्वल टू 63, तो मल्टीप्लाइड बाई ये 63 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू हैव मास, एंड दिस इज इक्वल टू 94 के आसपास आ जा रहा है, 94 ग्राम्स, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं, आते हैं नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन पे, 2012 का क्वेश्चन है ये। इट सेज दैट द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 120 ग्राम यूरिया मोलर मास 60 यू। ओके, इसका मोलर मास 60 दे रखा है 120 ग्राम, तो मैं पहले अपने काम की चीज मोल्स निकाल के रख लेता हूँ। मोल्स यूरिया का आएगा 2, 120 डिवाइड बाय 60। अब कह रहा है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस मच। आपने किया क्या है, आपने 1000 ग्राम वाटर में 120 ग्राम यूरिया को मिक्स किया, तो उसकी डेंसिटी दिस मच आ गई है। अब मैं पहले प्लान करता हूँ कि हमें निकालना क्या है, हमें मोलारिटी निकालना है। मैं आप फॉर्मूला लिख देता हूँ, मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि हमारे पास आ चुका है, बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा ml में आता है,
यहाँ लीटर होना चाहिए, अगर एमएल में है तो वी हैव टू यूज 1000 हियर, राइट। तो दिस पार्ट के बारे में हमें बदर नहीं करना, ये 2 हमने ऑलरेडी निकाल दिया, तो सिर्फ हमें ये फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो इट मींस वी एबल टू फाइंड द मोलैरिटी, और वो हमें दिख रहा है। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन तो आपको हो गया मास ऑफ वाटर विच इज सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट यानी यूरिया, इन दोनों का सम। तो मैं कर देता हूँ 1000 प्लस 120 और ये वैल्यू आ जाएगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1120 ग्राम्स। फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, यह है 1.15 ग्राम पर ml। तो यहां से अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो ये मास बाय डेंसिटी आएगा। वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो मास इज 1120 एंड डेंसिटी इज 1.15 एंड दिस इज इक्वल टू 973.9 दिस मच ml आएगा, राइट। अब हम पुट कर देते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले में, सो हेंस द मोलैरिटी विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय 973.9 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये गेस करें, अगर हम थोड़ा सा गेस वर्क करें तो ये 2 से थोड़ा सा ग्रेटर आएगा, राइट। तो ऑप्शन में हमें इसको पूरी तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 से ग्रेटर सिर्फ एक ऑप्शन गिवन है, क्योंकि आप चेक कर लो 1000 बाय 973 है, इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी ग्रेटर होगी और वो 2 में मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, वो 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से थोड़ा सा ग्रेटर ऑप्शन एक ही दे रखा है, फोर्थ। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट आते हैं, द मोलैलिटी ऑफ यूरिया, यूरिया सॉल्यूशन इन विच 0.01 ग्राम यूरिया इज एडेड टू 0.3 डेसीमीटर क्यूब। देखो डेसीमीटर क्यूब लीटर्स का दूसरा नाम है, डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट एसटीपी इज, तो हमसे पूछा मोलैलिटी पूछा है, आप यहाँ पे नोटिस करो, वी हैव बीन आस्क्ड मोलैलिटी, राइट। तो मैं पहले यहाँ पे प्लान करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, इतनी जगह ले लेता हूँ। मोलैलिटी क्या होता है, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पे यूरिया है, तो मैं डायरेक्ट यूरिया लिखता हूँ, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट यानी जो कि वाटर है, तो ये वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। अगर ये ml में होगा, सॉरी ग्राम्स में होगा, क्योंकि वेट ग्राम्स में होगा, इंटू 1000 करना होगा क्योंकि केजी में होता है, तो मोलैलिटी का ये फॉर्मूला हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम है तो 1000 हमने यूज किया। अब हम प्लान करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज है। तो मोल्स ऑफ यूरिया है, मोल्स ऑफ यूरिया इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप चेक कर लो यूरिया का मास हमें गिवन है, और ये रहा फॉर्मूला, तो इससे हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे, इसका मोलर मास आएगा 60, ऊपर हमने यूज भी किया है इनफैक्ट, तो ये मैं निकाल के रख लेता हूँ, मोल्स इज 0.01/60, यानी दिस पार्ट इज डन। अब वेट ऑफ वाटर को हमें चेज करना है, कि वाटर को कैसे हम इसको चेज करेंगे, तो वाटर का आप चेक कर लो, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 0.3 लीटर्स, तो ये ml में कितना हो जाएगा, 300 ml होगा, राइट। दिस इज द मास। अब वाटर की जो टेंटेटिव डेंसिटी होती है, टेंटेटिव डेंसिटी वो होता है 1 ग्राम पर ml, राइट। तो इसको हम यूज करेंगे, वाटर की ये जो डेंसिटी है, राइट, तो इससे जो वॉल्यूम हमें पता है, डेंसिटी हमें पता चल गया, तो जो मास आएगा वाटर का वॉल्यूम और डेंसिटी को यूज करके, देखो आप मास निकालना है, तो मास जो होगा इट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इस फॉर्मूले को आप यूज कर लो, तो वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों को हम पुट करें तो ये आ जाएगा 300 ग्राम्स, तो ये पार्ट भी हमें नोन है। तो अब मोलैलिटी के फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, तो इट इज 0.01/60 अपॉन 300 मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू मोल्स बाय मास ऑफ वाटर, इट इज इन ग्राम्स, तो इसलिए 1000 यूज कर रहे हैं। ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.55 × 10⁻⁴। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इसमें ये एसटीपी वगैरह इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इट इज यूजलेस, बिकॉज ये टर्म गैस के लिए होता है, वाटर इज लिक्विड, इवन एसटीपी आपने मेंटेन किया हुआ है, तो टेम्परेचर अंडरस्टूड है कि 273 केल्विन होगा, और इस केस में वाटर जो होगा वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। आगे बढ़ते हैं, अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर मोलर मास 342 इज आइसोटोनिक। देखो आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक
एस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो कह रहा है 5% जो सोल्यूशन है केन शुगर का वो आइसोटोनिक है, 1% सोल्यूशन ऑफ एन अननोन सोल्यूट, द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट इज, मेनली मोलर मास हमें निकालना है। तो मैं पहले बताता हूँ पाई का फॉर्मूला, हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन में यूज किया, मैं फिर से लिखता हूँ सी आर टी, राइट। तो इसका मतलब केन शुगर का सी वन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ केन शुगर को, तो सी आर टी विल बी इक्वल टू दूसरा सोल्यूट है अननोन सोल्यूट उसके पाई के इक्वल है। तो आर टी आर टी कैंसिल कर दें अगर हम, तो इसका मतलब दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, कंसेंट्रेशन स्टैंड फॉर मोलैरिटी हियर। तो अब आते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो 5% सोल्यूशन है तो ये सिंपल हो जाएगा, मैं 5% को एलोब्रेट अगर हम मैं कर दूं यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर आप 100, एक मिनट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, चलो इसने कुछ दिया नहीं है, 100 ग्राम H2 अगर हम लेंगे तो उसमें 5 ग्राम केन शुगर है, ये मीनिंग है, राइट। और यहाँ पे 1% का मतलब है कि 100 ग्राम H2 अगर हम लेंगे तो इसमें 1 ग्राम अननोन सोल्यूट है, नॉन सोल्यूट, लेकिन इसने H2O मेंशन नहीं किया। एक मिनट जस्ट मैं फिर से इसको एक बार चेक करके बताता हूँ आपको, सोच ओके इसको मैंने चेक कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप H2O लो या कोई और सोल्यूट लो, मैं दूसरा सोल्यूट ले लेता हूँ यहाँ पे, कोई एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कोई और सॉल्वेंट ले लेता हूँ। तो कोई मतलब 100 ग्राम एक सॉल्वेंट हमने लिया तो उसमें 5 ग्राम केन शुगर है, राइट। और यहाँ पे हमने कोई सॉल्वेंट लिया तो उसमें 1 ग्राम अननोन सोल्यूट है, 1 ग्राम अननोन सोल्यूट है। तो अब हम आते हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए, तो हमें चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो ये सोल्यूशन में सोल्यूशन है, सोल्यूशन यहाँ पे भी सोल्यूशन है, हम मैंने इसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, नो वाटर, मैंने 100 ग्राम सोल्यूशन लिया तो उसमें 5 ग्राम केन शुगर है, यहाँ पे मैंने 100 ग्राम सोल्यूशन लिया तो इसमें 1 ग्राम सोल्यूट है, सिंपल सा मीनिंग है, सोल्यूशन लिखा हुआ है। तो अब आते हैं पहले हम 100 ग्राम सोल्यूशन के लिए वर्क कर लेते हैं कि 100 ग्राम सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ओके हमें वॉल्यूम चाहिए तो ये आ जाएगा मास बाय डेंसिटी, राइट। तो ये आ जाएगा 100 बाय डेंसिटी, गिवन नहीं है, मैं डी लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये कैंसिल होगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, सेम सॉल्वेंट होने के कारण इसका भी वॉल्यूम इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट करते हैं, तो कंसंट्रेशन होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मैं सी वन के लिए लिख रहा हूँ मोल्स ऑफ सोल्यूट 5/342 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 100 अपॉन डी। Why I let 100? क्योंकि इसे परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसलिए 100 मैंने लेट कर लिया, तो दूसरा वाला 5 इजीली आ गया। सेम चीज इस साइड करेंगे, इट इज 1 बाय मोलर मास, इसका मास 1 ग्राम है, ये आप चेक कर लो, तो इसकी मोलर मास को मैं m लेट कर रहा हूँ, तो इसका मोल्स आ जाएगा 1 बाय m, अगेन 100 बाय d, यही हो गया, ये पूरा कैंसिल होना था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस चीज का सोल्यूशन लो। नाउ सिंपली द मोलर मास यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 342 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 68.4, ये मैंने एक यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 42 था ये 42 है। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द थर्ड क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए यहाँ पे, ओके आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट के लिए। नाउ टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं, 2010 का है। नाउ लेट अस स्टार्ट, इफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, इट इज Na2SO4, Na2SO4 इसकी रिक्वायरमेंट होगी। सोडियम सल्फेट कंसिडर टू बी कम्प्लीटली डिसोसिएट, 100% एसोसिएट हो रहा है इन टू कटायन एंड एनायन, ओके इन एन एक्व सोल्यूशन, यानी वाटर है सॉल्वेंट, इन एन एक्व सोल्यूशन द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ व्हेन दिस मच मोल ऑफ सोडियम सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। तो पहले हम कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं, देखिए ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन का केस है तो इसका मतलब हमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर लेना ही होगा। तो स्टोरी ये है कि आई जो होगा ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व बाई डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड, राइट। ऑब्जर्व हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है और ये हमें कैलकुलेट करके निकाल लेना है। तो मैं पहले डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड आपको बता रहा हूँ और आई की वैल्यू भी बताऊंगा अभी,
तो पहले हम डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड करते हैं। तो डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड जो होगा वो हो जाएगा के एफ इंटू इट्स मोलैलिटी। मैं पुट करता हूँ सारी वैल्यूज को, के एफ मुझे दिया हुआ 1.86, मोलैलिटी होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि मैं यहाँ सर्कल कर रहा हूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट दिस मच बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वाटर उसका मास के जी में ही हमें दे रखा है। तो मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, कोई 1000 की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सॉल्वेंट के वेट को हमने के जी में ही पुट कर दिया। तो ये वैल्यू हमारे पास डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड की आ गई, ये आ जाएगा 0.0186। ओके सो दिस इज द वैल्यू। अब भूल जाते हैं इसको, अब हम आई के लिए चेज करते हैं। तो Na2SO4 के बारे में बता रहा है कि ये 100% आयनाइज हो रहा है, मीन्स इसके टूटने से मुझे दो Na प्लस मिलेगा और एक सल्फेट मिलेगा, यानी अगर इसके बिगिनिंग में मैं वन पार्टिकल लूँ तो इसके फाइनली मेरे पास थ्री पार्टिकल्स हो जाएंगे, और इसका जो आई की वैल्यू होगी वो हो जाएगी थ्री, क्योंकि फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल इट इज इक्वल टू थ्री। ओके तो अब हम पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई आ चुका है 3 इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व जो हमें चाहिए बाई कैलकुलेटेड जो कि हमने फाइंड कर लिया 0.0186, राइट। तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व विल बी थ्राइस ऑफ दिस वैल्यू, तो अप्रोक्स हम गेस करते हैं ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, ये उसके आसपास आ जाएगा 0.0558। नाउ दिस द सॉल्यूशन फॉर द 10th। अब 11th के लिए प्रोसीड करते हैं। ऑन मिक्सिंग हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन। ओके ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। एट 373 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट आर 105 किलो पास्कल एंड 45 किलो पास्कल। तो 373 केल्विन पे दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर हमें गिवन है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 ग्राम हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन विल बी मोलर मास दिस मच। दोनों का मोलर मास भी गिवन है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है ये। तो ये रॉल्ट से अप्लाई होगा, हमें वेपर प्रेशर फाइनल पूछा गया। तो मैं पहले इसकी प्लानिंग करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, ये हमसे पूछा गया है। तो रॉल्ट के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट स्पीशीज एक्स ए इंटू पी ए पी नॉट ए प्लस मोल दूसरे वाले स्पीशीज का एक्स बी इंटू पी नॉट बी। देखो मैंने किया क्या है, एक्चुअल में जो कंटेनर है इस कंटेनर में दोनों ही प्रेजेंट है लिक्विड के फॉर्म में, राइट। तो दोनों के ही पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो ए और बी मैंने अभी ए और बी से रिप्रेजेंट किया हेप्टेन एंड ऑक्टेन को, तो ए और बी दोनों के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ओके तो जो टोटल प्रेशर पी होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। और रॉल्ट्स के अकॉर्डिंग पी ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए, और पी बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी, राइट। अब हम पुट कर देंगे इसमें, तो एक्स ए इज हाउ मच वो हम निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। 24 ग्राम हेप्टेन, मैं दोनों का इनफैक्ट निकाल के मोल्स रख ही लेता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, आई एम कॉलिंग हेप्टेन एज ए एंड ऑक्टेन एज बी, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ दोनों के ऊपर। तो Na आ जाएगा 25 बाय मोलर मास ऑफ हेप्टेन विच इज 100, राइट। तो ये आ जाएगा 0.25, भूल जाते हैं अब इसे, ऐसे ही अब बी के मोल्स निकालते हैं, ये 35 है, 35 ग्राम्स और इसका है 114, तो इट इज 35 बाई 114, दिस इज इक्वल टू, तो ये जो वैल्यू आएगी 0.3 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से एंड टोटल भी निकाल लेते हैं ऐड करके, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में उसकी जरूरत होगी, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0.55। तो अब पुट करते हैं इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल्स ऑफ ए बाई टोटल मोल्स 0.55 इंटू पी नॉट ऑफ ए, देखते हैं हेप्टेन का पी नॉट क्या है, 105 गिवन है हेप्टेन का, हेप्टेन पहले लिखा हुआ है, राइट। तो ये 105 आएगा प्लस जो सेकेंड पार्ट है एक्स बी के लिए 0.3 बाय 0.55 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो वैल्यू है वो है 45। ओके तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये वैल्यू आएगी 72.27 आ रहा है ये पूरा सॉल्व करने पे, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी क्लोज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th पे। कह रहा है टू लिक्विड्स x एंड y फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल x, 1 मोल x है और 3 मोल y है इस 10 मच, ये इसका वेपर प्रेशर है। एट सेम टेम्परेचर 1 मोल y इज फर्दर एडेड टू दिस सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बाय 10 mm। द वेपर प्रेशर ऑफ x एंड y इन प्योर स्टेट, यानी हमसे प्योर स्टेट यानी p नॉट की वैल्यू पूछी है। तो बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला रॉल्स लगना है। जो वेपर प्रेशर है वो होगा एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। एक को हमने एक्स ए से रिप्रेजेंट किया, एक को बी से रिप्रेजेंट किया। अच्छा एक्स, चलो कोई बात नहीं, मैं एक्स और वाई ही कर देता हूँ इनफैक्ट, क्योंकि एक्स और वाई इसने दे रखा है हमें। ये वाई, जस्ट होल्ड ऑन, ये मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इंटू पी नॉट ऑफ एक्स प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इंटू पी नॉट ऑफ वाई। स्टार्ट करते हैं पहला केस, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। हमारे पास वेपर प्रेशर की वैल्यू है 550। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना होगा, मोल्स ऑफ एक्स बाई टोटल, ये मोल्स ऑफ एक्स 1 था और वाई का 3 है तो टोटल मोल्स हो जाएंगे 4 इंटू पी नॉट ऑफ एक्स, जो कि हमें चाहिए p नॉट ऑफ x, ये वैल्यू हमें चाहिए। सिमिलरली y के लिए आएगा 3 बाई 4 इंटू पी नॉट ऑफ y। तो पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया, p नॉट x प्लस 3 p नॉट y इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2200 वैल्यू। ओके, तो ये इक्वेशन 1 है। अब आते हैं सेकेंड केस के लिए, फ्रेम करते हैं। अब कह रहे हैं द वेपर प्रेशर 10 mm से इंक्रीज हो गया जब आपने 1 मोल y ऐड कर दिया। तो अब नया जो वेपर प्रेशर हो रहा है वो 560 हो रहा है और 1 मोल हमने y ऐड किया, यानी y के अब टोटल मोल 4 हो चुके हैं और x के अभी भी 1 है, तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ x हो जाएगा 1/5, y के 4 प्लस x का खुद का 1 यानी टोटल 5 इंटू पी नॉट ऑफ x प्लस y के केस में आते हैं तो उसके 4 मोल्स हो गए हैं, टोटल है 5 इंटू पी नॉट ऑफ y। ये इक्वेशन आ गया, यहाँ से आ जाएगा पी नॉट x प्लस 4 पी नॉट y इज इक्वल टू 560 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2800। ये इक्वेशन 2 है, बस इसी को हमें सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू हैव द वैल्यू। मैं 2 माइनस 1 करके निकाल देता हूँ, एक वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, 2 माइनस 1 आप करो तो 2 माइनस 1 करोगे तो इधर रह जाएगा LHS में P नॉट Y सिर्फ रह जाएगा और RHS में आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस विच इज 600, राइट। तो ये वैल्यू 600 हो गई P नॉट Y। पी नॉट वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में आप पुट कर दो, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ तो पी नॉट एक्स निकल के आ जाएगा 400, राइट। तो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। अ बाइनरी सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग नॉर्मल हेप्टेन एंड इथेनॉल। नॉर्मल हेप्टेन और इथेनॉल को मिक्स करके प्रिपेयर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ सोल्यूशन। तो देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इथेनॉल जो था, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी, जिस कंटेनर में इथेनॉल था C2H5OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड था दूसरे इथेनॉल के पार्टिकल से C2H5, और ये चेन कंटिन्यू हो रही थी ऐसे, एक पार्टिकल नहीं बहुत सारे पार्टिकल है, ये आगे किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन जैसे ही आपने नॉर्मल हेप्टेन ऐड किया, नॉर्मल हेप्टेन एक पोर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C7H16, ये नॉर्मल हेप्टेन है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो इसको जैसे ही आपने इसमें ऐड किया तो इसने क्या किया, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और उसकी जगह खुद बैठ गया C2H5OH। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके उसकी जगह C7H16 खुद बैठ गया। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वैन डेर वाल्स फोर्स रहेगा। और इस ढंग से फ्यू ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड हैज बीन डिसोसिएटेड, और जो पार्टिकल इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन था वो काफी वीक हो गया। तो इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन के वीक होने की वजह से ज्यादा पार्टिकल लिक्विड को छोड़ के गैस में स्केप कर पाए, क्योंकि लिक्विड में जो फोर्स उनको होल्ड करने वाला था वो वीक हो गया, तो ज्यादा पार्टिकल स्केप कर पाए, इसीलिए इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो रॉल्स के कैलकुलेशन से ज्यादा आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई विल से पॉजिटिव डेविएशन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज अ नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेक्स्ट के लिए प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 14 क्वेश्चन, 2008 का है ये। एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज दिस मच, p
प्योर ए का हमें वेपर प्रेशर 520 mm दिया हुआ है एंड प्योर लिक्विड बी इज दिस मच mm ऑफ Hg. कह रहा है अ मिक्सचर इफ अ मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी बॉइल्स एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन एटमॉस्फेयर प्रेशर अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर इज. ओके पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या है. कह रहा है कि एक मिक्सचर है ए और बी का जो कि बॉइल कर रहा है. आप ध्यान रखो बॉइल. अब जब बॉइलिंग पॉइंट होती है एट बॉइलिंग पॉइंट जो वेपर प्रेशर होता है ये मैंने पहले भी बताया था आपको जो वेपर प्रेशर होता है पी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है. तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 mm है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो ये 180 mm हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 760 mm. यानी इसका नेट वेपर प्रेशर हमें 760 mm गिवन है. तो अब हम इसको पुट करते हैं P इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी. यही हमारे पास फॉर्मूला है रॉल्ट्स का और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है. अब ये बाइनरी है ए और बी का सॉल्यूशन राइट. इसमें सिर्फ ए एंड बी प्रेजेंट है तो मैं इसके मोल फ्रैक्शन को एक्स रिप्रेजेंट करूंगा तो इसका बाय डिफॉल्ट 1 माइनस एक्स होगा क्योंकि दोनों स्पीशीज के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आना चाहिए. तो मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ टोटल प्रेशर इज 760 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मैंने एक्स लेट किया पी नॉट ऑफ ए की वैल्यू मुझे दिया हुआ 520 प्लस बी के लिए हम आते हैं बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस एक्स और इसका पी नॉट की वैल्यू है 1000 mm. बस इसी को हमें सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालना है. हमसे पूछा क्या है ए का ए के बारे में तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. और इसको सॉल्व करने पे एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 0.5 आ रहा है राइट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.5 इसका मतलब 50 मोल परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल परसेंटेज आ जाएगा 50 मोल परसेंटेज आंसर होगा. नेक्स्ट आते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 17.5 mm. ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमें गिवन है. इफ 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज. बहुत इजी क्वेश्चन है ये डायरेक्ट रॉल्ट्स पे बेस्ड है. पीएस इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए. यही हमारे पास है फॉर्मूला और कुछ नहीं है. हमसे पीएस पूछा है ये रहा ये पी नॉट की वैल्यू गिवन है हमें पी नॉट की वैल्यू गिवन है जो स्पीशीज अंडर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर. तो अब हम इसके लिए प्रोसीड करते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी वाटर यहाँ पे अगर आप वाटर का वेपर प्रेशर निकाल रहे हो तो वाटर का मोल फ्रैक्शन होगा. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मैं यहाँ पे पहले फाइंड करता हूँ. तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज ये आ जाएगा 18 बाय इसका मोलर मास होगा 180.1. सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की वैल्यू जो होगी वो होगा 178.2 डिवाइडेड बाई 18 इट इज इक्वल टू 9.9. कैलकुलेशन मैं एक्चुअल में कैलकुलेटर यूज करके कर रहा हूँ लेकिन आपको एग्जाम में करना होगा. ऐसा नहीं कि ये कोई तरीका है मेरे पास मैं फास्ट कर रहा हूँ. मैं पॉज करके वीडियो को कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ. ऐसा ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हमने एक और पहले सॉल्व किया है इसे टाइप का. तो अब पुट करते हैं इसको. वाटर का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स विच इज 9.9 प्लस 0.1 इंटू पी नॉट ऑफ वाटर. पी नॉट ऑफ वाटर है 17.5 ये रिजल्ट आएगा. तो इट इज 9.9 मल्टीप्लाइड बाई 17.5 बाई 10 दिस इज इक्वल टू 17.325. तो दैट्स व्हाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. तो इस वीडियो में इतना ही. हमने पूरे 2008 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. जिसको भी रिक्वायर्ड हो उसको उसके साथ शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.